मोदी सरकार की 4 साल की उपलब्धियों को लेकर बीकानेर में केंद्रीय राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल मीडिया से रूबरू हुए और इस मौके पर मेघवाल ने फर्स्ट इंडिया को बताया कि मोदी जी ने 4 साल में वो कर दिखाया है जो कांग्रेस इतने सालों में नहीं कर सके। मोदी जी के मंत्री जो है वो उपलब्धियां गिना रहे हैं, पुशअप निकाली जा रही है, देश को फिटनेस का मंत्र दिया जा रहा है। ये बात अलग है कि पेट्रोल डीजल में आग लगी हुई है। इस वक्त हमारे साथ अर्जुन मेघवाल साहब हैं। एक तस्वीर जो मैंने बोली, एक तस्वीर जो आप बता रहे हैं, कैसे सामंजस्य करें? देखिए, विपक्ष 4 साल में क्या कर रही है वो विपक्ष का काम है, लेकिन विपक्ष में मुख्य भूमिका भी कांग्रेस निभा रही है। उन्होंने, उनके एक ही परिवार ने 48 साल शासन किया और हमने आज आंकड़ों से सिद्ध करने की कोशिश की है कि उनका 48 साल और हमारा 38 महीने, देख लीजिए आप कितना तेजी से हम बढ़े हैं। चाहे रोड सेक्टर हो, चाहे ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने का सेक्टर हो, चाहे रेल कनेक्टिविटी का सेक्टर हो, चाहे भारतमाला हो, चाहे सागरमाला हो, कोई सेक्टर ले लीजिए ना। 4 साल की 4 उपलब्धियां मोदी सरकार की, बहुत संक्षेप में देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि 90,000 करोड़ रुपए ऑनगोइंग स्कीम में बचा। ये डिफरेंट प्लान में बता रहा हूँ। उज्ज्वला, जो आर्थिक सामाजिक असमानता को दूर करने का महत्वपूर्ण उपाय। तीसरा, 18,000 गाँव में लाइट पहुंचा देना। जब कांग्रेस के 48 साल के शासन में उन गाँव में लाइट नहीं गई थी, उनमें लाइट पहुंचा देना। और चौथी, मैं बड़ी उपलब्धि बता रहा हूँ आपको, छोटी नहीं बता रहा हूँ, एलईडी बल्ब के माध्यम से जिसको उजाला हम कहते हैं, घर घर में 500 से लेकर 1,000 रुपए तक का बजट कम किया है मोदी जी ने। हम नगर निगम में या बीकानेर देख लीजिए, 5 से 7 लाख रुपए का महीने का बजट कम हुआ है। मेरी उपलब्धियों की आप बात करें तो ये बीकानेर को जो एयरपोर्ट की सौगात है, कोई मेरी अकेले की उपलब्धि नहीं है, लेकिन मेरी सरकार की उपलब्धि। यहाँ पासपोर्ट कार्यालय खुला, ये मेरी सरकार की उपलब्धि। यहाँ रेलवे का जो सुविधा यात्रियों के लिए बढ़ी, ये मेरी सरकार की उपलब्धि। रोड का जो नेटवर्क बढ़ा, ये मेरी सरकार की उपलब्धि। सबसे बड़ा बात, 54 देशों में मोदी जी गए, लेकिन हम देखिए लोक इष्ट नीति हो, चाहे नेपाल से तिस्ता, क्योंकि आप केंद्र के सदर मंत्री है, तिस्ता विवाद हो सुलझा नहीं है, और आईजीएनपी की जो हालत है, फर्स्ट इंडियन कैंपेन भी चलाया क्लीन आईजीएनपी, तिस्ता विवाद पे सुषमा स्वराज जी का स्टेटमेंट लोकसभा में आया था, आप देख लेना, बहुत एडवांस स्टेज पे है, जहाँ आपने लुक इष्ट की बात की। इतनी बड़ी सफलता मोदी जी को मिली कि एशियन कंट्रीज के 10 राष्ट्राध्यक्ष 26 जनवरी को भारत में आते हैं और रामलीला का मंचन भी उनके नाटक करते हैं, उनके नाटककार करते हैं, और उसमें एक इंडोनेशिया का ऐसा नाटककार होता है, वो मुस्लिम है लेकिन राम का पाठ कर रहा है, राम का मंचन कर रहा है, राम का नाटक कर रहा है, राम बन करके कर रहा है। तो जब मैंने उससे पूछा कि ये क्या है, या तो कोई ऐसा नहीं कर सकता, तो उन्होंने कहा कि हमने हमारा धर्म अलग है, उसको अलग रखा है, लेकिन हमारी कल्चर अलग है, राम हमारी कल्चर। इंपॉर्टेंट सवाल, क्या एलिवेटेड दे पाएगी सरकार इस चुनाव? बिल्कुल एलिवेटेड की सैद्धांतिक समिति कल राजस्थान सरकार ने दे दी। एक और सवाल, एबीपी का सर्वे आया, इन सब के बावजूद 140 सीटें कांग्रेस को दे रहे हैं। देखिए, उस सर्वे में आपने देखा होगा कि मोदी जी वापिस प्रधानमंत्री बन रहे हैं बहुमत के साथ, वो सर्वे में ही है। कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया।